बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। दोपहर 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। राकेश गुप्ता हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। राकेश, 2 बजे से कार्यवाही शुरू होनी है, क्या हो सकता है? सबसे पहले तो आज जो राज्यपाल का अभिभाषण था उसी पर चर्चा होगा प्रश्नकाल के बाद? बिल्कुल, देखिए सदन की जो कार्यवाही है वो प्रश्नकाल से शुरू होगी और 1 घंटे का प्रश्नकाल रहने के बाद 0 ओवर होगा। फिर क्योंकि इसी दौरान जो करंट इश्यूज हैं वो विधायक उठाते हैं और इसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। जैसी संभावना है, जो आज हंगामादार जो है रहने के पूरे आसार हैं, क्योंकि जो सत्ता पक्ष के विधायक बोलेंगे वे राज्यपाल के अभिभाषण की तारीफ करेंगे और जबकि विपक्ष जो है पूरी तरह से निराधार बताएगा। और जैसे संकेत आप पहले भी देख चुके हैं, जब जिस दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ था उस दिन भी विपक्ष के कड़े तेवर थे। तो कुल मिलाकर जो है आज इसी बात को लेकर हंगामा हुआ और क्योंकि सरकार के लिए एक बहुत बड़ी राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है एक बड़ा दस्तावेज रहता है और राज्यपाल जो अपने सरकार के आगे का रोड मैप और उपलब्धियां इस दौरान बताते हैं और इसके साथ जो है कई इश्यूज जो है आज 0 ओवर में या फिर क्वेश्चन आर के सप्लीमेंट जो क्वेश्चन आते हैं उस दौरान भी उठ सकते हैं। ये आबकारी नीति आप जानते हैं कि काफी विवाद जो इस पर मचा है, इसको लेकर जो है कुछ जो विपक्षी दलों के सदस्य हैं वो मुद्दा उठा सकते हैं। हालांकि आप देख रहे हैं मीडिया में कि किस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अन्य लोग जो है इस नीति का विरोध कर रहे हैं। यही नहीं, जो भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हैं सुभाष बराला वो भी खुले रूप से कह चुके हैं कि इस नीति में संशोधन के लिए वे मुख्यमंत्री से बात करेंगे और जबकि मुख्यमंत्री इस नीति को लेकर कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है और जो पहले फीस कम थी उसको 7-8 गुना बढ़ाया गया है। तो ये रह सकता है, जो ब्राह्मणों की जमीन जो दान में दी गई जमीन 2011 में फैसला लिया गया था उसे वापिस लेने का प्रदेश सरकार ने पिछली कैबिनेट में फैसला लिया था, तो वो विवाद है, उसको उठाया जा सकता है। तो और कई इन्हें अन्य इश्यूज जो हैं इस दौरान आज सामने आ सकते हैं। चलिए राकेश, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।